हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. वेलकम टू द फ्यूचर कोचिंग. और अपने करंट अफेयर की सीरीज को स्टार्ट करते हैं. पहला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी को कितने वर्ष हो गए हैं? भोपाल गैस त्रासदी को 39 वर्ष हो गए हैं. भोपाल गैस त्रासदी सन 1984 में 2 से 3 दिसंबर की मिडनाइट में जब मध्य प्रदेश का भोपाल सो रहा था तो यूनियन कार्बाइड से मैथिल आइसोसाइनाइड नाम की एक जहरीली गैस का रिसाव हो गया, जिससे 3,800 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जिन लोगों को बचाने की कोशिश की गई उनमें भी जो गैस की चपेट में आए उनमें से 15,000 लोगों की मौत हो गई थी. आंकड़े बताते हैं कि यूनियन कार्बाइड के जो मैथिल आइसोसाइनाइड गैस है उसके चपेट में आने के बाद कम से कम 6 लाख लोग जो है उससे प्रभावित हुए हैं. और आज भी उस गैस के जो इफेक्ट है वहां की पॉपुलेशन में देखे जाते हैं, क्योंकि मैथिल आइसोसाइनाइड जैसी जहरीली गैस की वजह से वहां की पॉपुलेशन में जो जिन पर इफेक्ट हुआ है भोपाल की पॉपुलेशन पे, कैंसर, लंग डिसीज जैसी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो देखने को मिलती हैं. और 39 वर्ष बाद भी आज भी वहां के जो पीड़ित लोग हैं उनको कंपनसेशन के लिए कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं. अगली सुनवाई 6 जनवरी को है. तो मैथिल आइसोसाइनाइड की जो भोपाल गैस त्रासदी जो है इसकी हिस्ट्री है वे बैक टू 1984. 1984 में 2 से 3 दिसंबर की रात को भोपाल शहर, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, जब मिडनाइट में सब सो रहे थे तो यूनियन कार्बाइड नामक प्लांट से मैथिल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हो गया, जिस रिसाव के चलते 3,800 लोग मौके पर ही मर गए. और उसमें बच्चे थे जिनकी सबसे जल्दी मौत हुई थी, क्योंकि बच्चों का रेस्पिरेटरी सिस्टम उतना मजबूत नहीं होता. उसके बावजूद 15,000 लोगों की जाने गई, जो कि ये आंकड़े बताते हैं कि 15,000 लोगों की जाने गई और 6 लाख लोग उस गैस की चपेट में आए और उसके हार्मफुल इफेक्ट अभी तक भी देखे जा रहे हैं. यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकन कंपनी है जिसके ओनर एडरसन को दोषी ठहराया गया और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा भी कि कंपनसेशन दिया जाए, लेकिन वो जितने लोग मरे थे उनसे कम के आंकड़े बताए गए और उनमें से भी कम लोगों को कंपनसेशन दिया गया. और आज भी जिन लोगों के परिवार से पीड़ित जो है, जिन लोगों की मौतें हुई थी उन लोगों को आज तक भी कंपनसेशन नहीं मिला है. 39 ईयर्स हो गए हैं लेकिन अभी भी भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित लोग इंसाफ की गुहार कर रहे हैं. तो भोपाल गैस त्रासदी जो है इसको 39 वर्ष हो गए हैं. इसमें जो पॉपुलर क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था. तो इसमें मैथिल आइसोसाइनाइड नाम की जो पेस्टिसाइड बनाने के काम आती है उस गैस का रिसाव हुआ था, जो कि ह्यूमंस के लिए भी बहुत डेंजरस है. तो मैथिल आइसोसाइनाइड को शॉर्ट में मिक गैस भी कहते हैं. और 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी में इसी गैस का रिसाव यूनियन कार्बाइड से हुआ था. अब भोपाल गैस त्रासदी पर नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज भी आई है, रेलवे मैन, जिसमें के शंकर माधवन, बाबिल खान और देवेंदु जैसे कलाकार हैं, जो कि उस भयावह रात के बारे में बताएंगे कि कुछ 4 लोग थे और बाकी लोग थे जिनको पता चल गया था कि रिसाव हो गया है और उन्होंने आधी रात में लोगों को वहां से बचाव के लिए जो कार्य किए थे उस पर आधारित जो है रेलवे मैन नेटफ्लिक्स पर चल रही है. तो भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है और ये कमोमेरेट करता है 4 दिसंबर को
जो इंडियन नेवी का ऑपरेशन ट्राइडेंट था उसको। ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या था, 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर चल रहा था और इंडिया ने तीनों तरफ से एयर, नेवी और आर्मी तीनों तरफ से वॉर कर दिया था पाकिस्तान पे, और नेवी की तरफ से जो वॉर हुआ था वो ऑपरेशन ट्राइडेंट था, जिसमें इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के कराची हार्बर पर हमला कर दिया था और पाकिस्तान का जो वॉरशिप था, डिस्ट्रॉयर वॉरशिप PNS Khyber को डिस्ट्रॉय कर दिया था इंडियन नेवी ने। तो इंडियन नेवी के इसी पराक्रम को कमेमोरेट करने के लिए 4 दिसंबर को ऑपरेशन ट्राइडेंट की जो सफलता थी रही उसको कमेमोरेट करने के लिए इंडियन नेवी डे के रूप में मनाया जाता है। इंडो पाकिस्तान वॉर जो 1971 का है, ये सबसे डिसीजिव वॉर रहा था और इस वॉर में भारत जीत गया था और बांग्लादेश को आजादी दिला दी थी। इसकी कहानी कुछ ऐसे है कि जब भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिका से वापस लौटी श्रीमती इंदिरा गांधी, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने और वहां के सिक्योरिटी एडवाइजर ने हेनरी किसिंजर ने उनको वहां से अपशब्द बोलकर भेजा था। अब किसी भी कंक्लूजन पर इंडिया नहीं पहुंच रहा था, इंदिरा गांधी ने आते ही वेस्ट पाकिस्तान पर हमला कर दिया। रिचर्ड निक्सन जो अमेरिका के उस समय प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, और हेनरी किसिंजर जो उस समय अमेरिका के सिक्योरिटी एडवाइजर थे, सुरक्षा सलाहकार थे, वो लोग चाहते थे कि पाकिस्तान पर इंडिया हमला ना करे और वो पूरा सपोर्ट जो है पाकिस्तान को कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इंदिरा गांधी ने वेस्ट पाकिस्तान पे हमला करा दिया और बांग्लादेश जो प्रेजेंट डे में है ईस्ट पाकिस्तान उसको आजाद करा दिया। तो इंडियन नेवी ने काउंटर अटैक किया था, इंडियन नेवी उन कराची हार्बर ये PNS खैबर को डिस्ट्रॉय कर दिया था और इसी को कमेमोरेट करने के लिए 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार द क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट देश का सबसे असुरक्षित शहर महिलाओं के लिए कौन सा है। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है ये हमारी नेशनल एजेंसी है जो कि प्रतिवर्ष नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के सर्वे के बाद कुछ आंकड़े जारी करती है। उन आंकड़ों के तहत दिल्ली शहर जो है वो महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर के रूप में आया माना जाता है, जिसमें कि दिल्ली शहर में पर डे 3 रेप्स होते हैं और ऑन एन एवरेज 2022 में 1204 रेप केसेस सामने आए हैं, 14158 क्राइम अगेंस्ट विमेन है जिसमें कि 3909 किडनैपिंग के केस हैं, 1204 रेप के केसेस हैं और 129 जो है ये डाउरी डेथ्स है, जो दहेज को लेकर जो हत्याएं कर दी जाती है वो। तो दिल्ली जो है ये सबसे असुरक्षित शहरों में से माना गया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, और द क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट इन्होंने जारी की है और इसे शॉर्ट में NCRB कहते हैं, NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो दिल्ली इज द मोस्ट अनसेफ प्लेस और आंकड़े बताते हैं कि क्यों ये मोस्ट अनसेफ प्लेस है फॉर वुमेन। नेक्स्ट है, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट जो है WHO प्रतिवर्ष वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट जारी करता है, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट। और वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट के अनुसार WHO ने कहा है कि इंडिया में 66% जो केसेस हैं मलेरिया के वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से होते हैं। अब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है ये एक प्रोटोजोअन पैरासाइट है, ये एक प्रोटोजोअन पैरासाइट है, जैसे कि अमीबा होती है सेम ऐसे ही ये एक प्रोटोजोअन पैरासाइट होता है जो कि जो मच्छर होता है मॉस्किटो, एनाफिलीज मच्छर, ये एनाफिलीज मच्छर में होता है और जब एनाफिलीज मच्छर से ये किसी भी ह्यूमन को काटता है तो ये पैरासाइट ह्यूमन ब्लड में एंटर कर जाता है जिसकी वजह से मलेरिया होता है। तो इंडिया में मलेरिया के सबसे ज्यादा होने के कारण जो है वो है, सबसे पहले तो हमारा क्लाइमेट है, मलेरिया साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ट्रॉपिकल कंट्रीज में देखा गया है और इसका जो मेजर रीजन है
वो है हमारा ट्रॉपिकल कंट्री, यानी कि हमारा क्लाइमेट जो है वो मॉनसूनल क्लाइमेट है। मॉनसूनल क्लाइमेट की वजह से जहां भी साफ पानी का जमाव होता है वहां पर ये मच्छर पनप जाते हैं, जिनकी वजह से ये होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मलेरिया किसकी वजह से होता है, तो ये वायरस की वजह से नहीं होता, ये एक पैरासाइट है, दैट इज अ प्रोटोजोअन पैरासाइट, उसकी वजह से होता है, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल डे फॉर अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी कब होता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी जो है ये प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को कमोमरेट होता है। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कराती है इसको कमोमरेट। जो स्टार्ट कराया था वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कराया था। तो स्लेव ट्रेड जो है ये पहले होता था, अब हमारे यहाँ पर स्लेव ट्रेड पूरी तरह से अबॉलिश हो गया है। अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने अपने यहाँ पे दास प्रथा का अंत करवाया था, और जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तब हमारे यहाँ पे जो है स्लेवरी पूरी तरह से खत्म कर दी गई थी। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है आर्टिकल 14 के तहत राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 19 के तहत हमें राइट टू फ्रीडम है। तो अब वी आर नो मोर इन यू कैन से कि वी कांट डू स्लेव और वी कांट कीप स्लेव। हम ना तो स्लेव रख सकते हैं ना ही ये चीज हम कर सकते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोहिबिटेड है, लॉ से प्रोहिबिटेड है। लेकिन फिर भी अब हमारे यहाँ क्या देखा जा रहा है इन द वर्ल्ड अराउंड द ग्लोब कि मॉडर्न स्लेवरी हो रही है। व्हाट इज मॉडर्न स्लेवरी? मॉडर्न स्लेवरी इज अ 50 मिलियन मॉडर्न स्लेवरी फोर्स्ड लेबर, 28 मिलियन फोर्स्ड लेबर, 22 मिलियन फोर्स्ड मैरिजेस। तो 28 मिलियन फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर एक नया कॉन्सेप्ट है मॉडर्न स्लेवरी में, कि किसी भी पर्सन को फोर्स किया जाता है उस काम को करने के लिए, उसे मैन्युपुलेट करने के बाद, उसे फिजिकली या फिर उसको इकोनॉमिकली साइकोलॉजिकली मैन्युपुलेट किया जाता है कि वो काम करे, और यही आता है फोर्स्ड लेबर में। तो फोर्स्ड लेबर के जो केसेस है वो अराउंड द ग्लोब 28 मिलियन है, और 22 मिलियन जो है फोर्स्ड मैरिजेस है, जो कि अब ये मॉडर्न स्लेवरी का रूप ले चुके हैं। नेक्स्ट है, ऑयल एंड गैस डीकार्बोनाइजेशन चार्टर कोप 28 में किसने जारी किया? तो ये सऊदी अरेबिया के जो सुल्तान हैं डॉक्टर सुल्तान अल जाबेन ने जारी किया है ऑयल एंड गैस डीकार्बोनाइजेशन चार्टर। ऑयल एंड गैस डीकार्बोनाइजेशन चार्टर के बारे में बात कर लेते हैं कि ऑयल और गैस डीकार्बोनाइजेशन का मतलब है कि हम कार्बन न्यूट्रल होने की तरफ, जीरो कार्बन एमिशन की तरफ बढ़े। इसमें अरब कंट्रीज में इनटू सऊदी अरेबिया 40 कंपनीज है, और सऊदी अरेबिया के जो सुल्तान है इन्होंने जो ये चार्टर जारी किया, इस चार्टर में ये है कि वो कंपनीज रेन्यूएबल एनर्जी को यूज करेंगे। और व्हाट इज रेन्यूएबल और व्हाट इज नॉन रेन्यूएबल? तो जो एनर्जी हमें फॉसिल फ्यूल से मिलती है, जैसे कि पेट्रोलियम, डीजल, कोल, गैस, नेचुरल गैसेस, ये सब नॉन रेन्यूएबल एनर्जी है। इट मींस कि इनको हम दोबारा जीवित नहीं कर सकते, इनका पुनर्भरण नहीं हो सकता। इट मींस कि दोबारा हम इनको उत्पन्न नहीं कर सकते, इनके जो सोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, और जब ये एक बार एक्सप्लॉइट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो दोबारा हम इनको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ऑन दी अदर हैंड जो नॉन रेन्यूएबल एनर्जी होती है, नॉन रेन्यूएबल एनर्जी में आता है वाटर, एयर और सोलार। नॉट एयर, इट इज विंड। जो मूविंग एयर होती है उसे हम कहते हैं विंड। तो वाटर, विंड और सोलार एनर्जी जो है ये कभी भी खत्म नहीं होती। जैसे कि सोलार पैनल से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, एक्सेट्रा। तो दीज आर नॉन रेन्यूएबल एनर्जी, और इस चार्टर में सऊदी जो सुल्तान है उन्होंने कहा है कि वो कंपनी ट्राई करेंगी कि नॉन रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम स्विच करें। नेक्स्ट है, वर्ल्ड डिजिटल कंपिटेटिवनेस रैंकिंग 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये 49 स्थान पर है, 49वें स्थान पर है। और डिजिटल रैंकिंग का मतलब क्या है कि हम
डिजिटली कितना सारी चीजें यूज कर रहा है, जैसे कि कितना इंडिया में वो पूरा एक अनुमान लगाया जाता है, पूरे आंकड़े सर्वे किए जाते हैं कि कितना हम स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन में हम कितनी एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, हम डिजिटली पेमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम बाकी सारी चीजें कितने काम हम डिजिटली ऑनलाइन कर रहे हैं, उन सबका जो है ये एक रैंकिंग होती है वर्ल्ड डिजिटल कंपेटेटिव रैंकिंग, और हम इसमें काफी इम्प्रूव कर रहे हैं, 49 पोजीशन पर हम हैं। हाल ही में भारत की 84 ग्रैंड मास्टर कौन बनी? तो ग्रैंड मास्टर पहली बात तो होते क्या है, ग्रैंड मास्टर क्या होते हैं? ग्रैंड मास्टर बेसिकली जो चेस के प्लेयर होते हैं, जो वर्ल्ड लेवल पे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको ग्रैंड मास्टर कहते हैं, यानी कि शतरंज के जो खिलाड़ी होते हैं उनको। तो शतरंज के खिलाड़ी में वैशाली रमेश बाबू जो है वो इंडिया की 84th ग्रैंड मास्टर बनी है, और ये वही वैशाली रमेश बाबू है जिन्होंने हाल ही में चैंपियनशिप जीती है, और फिडे चेस चैंपियनशिप जो अभी हुई थी जिसमें मैग्नस कार्लसन जो है उनको गोल्ड मेडल मिला, और भारत के जो प्रज्ञानंदा रमेश बाबू हैं उनको सिल्वर मेडल मिला था, ये उन्हीं की सिस्टर है, और इस बार ये 84th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बन गई है। नेक्स्ट है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2023 कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, और वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे का जो मतलब है वो ये है कि कंप्यूटर की लिटरेसी हमारी कंट्री में कितनी है, या वर्ल्ड लेवल पे कितनी है, कितना कंप्यूटर का नॉलेज सबको है, कितना यूज होता है, उसका जो है लेखा जोखा वो इसमें डाला जाता है, उसके हिसाब से ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। भारत में प्रथम महिला जिन्होंने नेवी शिप को वॉरशिप कमांड किया ये है प्रेरणा देवस्थली। तो भारत में अब कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर महिलाएं अपनी भागीदारी नहीं दिखा रही हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो। तो अब महिलाएं आर्मी में परमानेंट कमांडर भी हैं, और एयरफोर्स में पायलट भी है, लेफ्टिनेंट भी है, और नेवी में भी वो लेफ्टिनेंट और वॉरशिप कमांड जो है वो संभाल रही है। तो अब प्रेजेंट डे में इंडिया में, भारत में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहां पर महिलाएं अपनी भूमिका नहीं निभा रही है, और दिस इज द पॉजिटिव साइन फॉर द कंट्री कि अब जो महिलाओं की भागीदारी है वो हर क्षेत्र में देखी जा रही है। तो इसी के साथ हमारी करंट अफेयर की सीरीज है उसका यहीं पर हम उसको समाप्त करते हैं, कल फिर कुछ नया, कुछ नई चीजें, कुछ नए क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये श्योर श्योर आपके एग्जाम्स में आएंगे, क्योंकि करंट अफेयर कभी भी इन क्वेश्चन से बाहर नहीं आता, जो चर्चा में होती है बातें वही पेपर में आती है। तो इन क्वेश्चन को बाय हार्ट लर्न कर लेना है, यहीं पर याद करने हैं, बैकग्राउंड याद करते हैं तो हमें चीजें याद हो जाती हैं। एंड अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे आगे भी शेयर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।